हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन्फो ट्रेड यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इसरो का जो एग्ज़ाम है हुआ है, टेक्नीशियन बी फिटर का, जो कि 21/10/2018 में एग्ज़ाम हुआ। आज ही के दिन संडे में आपका एग्ज़ाम हुआ अहमदाबाद में, उसी की हमने एक आंसर की बना दी है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। यदि आपने इसरो का टेक्नीशियन बी फिटर का एग्ज़ाम दिया था या फिर किसी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इसमें रखे गए हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि इसरो में आए तो और कहीं नहीं आएंगे, तो और कहीं भी आपको इसी तरह के क्वेश्चन जो मिल सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी क्लियरिटी डाउन हो सकती है, क्योंकि ये हमारे जो है एक हमारे स्टूडेंट है, उन्होंने हमें व्हाट्सएप पे मैसेज किया है, उन्होंने इमेज सेंड की है। तो इमेज में क्या है दोस्तों, क्लियर नहीं आ रही है। आप देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी जो है ब्लर टाइप की हो रही है। तो लेकिन मैं अपनी वॉइस से आपको जो क्वेश्चन सारे समझा सकूंगा, तो वॉइस भी आप सुनते रहेंगे तो उससे भी आपको क्वेश्चन जो है सारे क्लियर होते जाएंगे। तो मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊंगा। सबसे पहला क्वेश्चन आप देखें, तो दोस्तों पहला क्वेश्चन जो टेक्नीशियन बी फिटर में सेट ई में जो रखा गया था, वो रखा गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेट ई लिखा है, यहाँ पे इसरो लिखा है। तो सेट ई में फर्स्ट क्वेश्चन एस एस, ये जो एच एस एस का मुख्य मिशन तत्व पूछा। तो यहाँ पे कह रहा है कि मेन एलोइंग एलोइंग एलिमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स इन एच एस एस इज, तो यहाँ पे कह रहा है हाई स्पीड स्टील। एच एस एस का मतलब होता है हाई स्पीड स्टील में मुख्य जो तत्व होता है, उसका एलिमेंट्स होता है, वो क्या होता है? वहाँ दोस्तों टंगस्टन होता है। तो आप याद रखें, टंगस्टन क्रोमियम और वैनेडियम मिलाकर जो है एच एस एस को बनाया जाता है। तो यहाँ पे ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपने ए लगाया तो आपका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सेट ई में, दूसरा क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस धातु का उच्चतम अधातुवर्धन है? तो यहाँ पे मेलेबिलिटी की बात, चलिए दोस्तों अभी जो हमने करंटली इससे पहले वीडियो अपलोड करी थी उसमें आपको मेलेबिलिटी के बारे में बताया था कि मेलेबिलिटी यदि कहीं आता क्वेश्चन, तो यहाँ पे कह रहा है कि विच मेटल हैज़ हाईएस्ट मेलेबिलिटी फ्रॉम द फॉलोइंग, तो इनमें से कौन से में जो है सबसे ज्यादा मेलेबिलिटी का गुण पाया जाता है? तो दोस्तों इसका डी आंसर हो जाएगा, स्वर्ण। गोल्ड में जो है सबसे ज्यादा जो है मेलेबिलिटी पाई जाती है। ऑप्शन आप देखते हैं, कॉपर दिया है, एल्यूमिनियम दिया है, प्लेटिनम दिया है। तो हमारा जो गोल्ड होता है उसमें सबसे ज्यादा जो है मेलेबिलिटी का गुण पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपको अक्सर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन मिल जाएगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो है इसमें कह रहा है कि कलाईदार लोहे को खालिस्तान आवृत करते हैं। तो यहाँ पर ग्लेवनाइजिंग की बात, चलिए ग्लेवनाइजिंग आर इज कोटेड विद, ग्लेवनाइजिंग जो की जाती है किसी भी लोहे पर, तो किस पर की जाती है? तो मैं दोस्तों इसके जो आंसर भी साथ के साथ लगा चाहता हूँ, तो यहाँ पे उसका जिंक जिंक होगा इसका आंसर। डी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिंक। ग्लेवनाइजिंग जो क्रिया की जाती है वह जिंक से जो है की जाती है, ठीक है। और इससे ऊपर वाले का दोस्तों गोल्ड है, तो मैं आपको टिक भी लगाता चलूंगा इसके क्वेश्चनों पर। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन है सेट ई में, तो ये कह रहा है कि 60 से 40 कांस्य को खालिस्तान धातु कहते हैं। तो 60 और 40 जो कांस्य लिखा गया वो उसमें इंग्लिश में देख सकते हैं, तो ब्रास को बोला गया है। तो ब्रास इज नाउ एज, तो यहाँ पे मेटल पूछा है इसमें। फोर्थ का जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा दोस्तों मुंज मेटल। मुंज मेटल यानी कि इसका ए आंसर हो जाएगा। यदि आपने ए लगाया है तो इसका आपका राइट क्वेश्चन है, तो ए इसका आंसर होगा। इसके बाद हम फोर्थ के बाद चलते हैं फाइव पे। नंबर फाइव दोस्तों देखिए, थोड़ी इमेजेस है तो थोड़ी क्लियर नहीं आ रही, लेकिन मैं अपनी वॉइस से आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पे फाइव में जो है दोस्तों मैथ का क्वेश्चन है, ये मैं आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और सिक्स में भी इस टाइप का क्वेश्चन है, तो मैं आपको सेवन क्वेश्चन बताता हूँ सीधा। तो सेवन क्वेश्चन टेक्निकल क्वेश्चन था, तो इसमें पूछा था इनमें से कौन सा व्यक्तिगत फिट है। तो व्यक्तिगत फिट्स को यदि हम इंग्लिश में बात करें तो उसे बोलते हैं इंटरफेरेंस फिट। तो इंटरफेरेंस फिट के लिए ऑप्शन इन्होंने दिए गए हैं, फोर्स फिट यहाँ दिया गया, रनिंग फिट और स्लाइडिंग फिट और पुश फिट। तो यह इंटरफेरेंस जो फिट होती है हमारी, व्यक्तिगत फिट होती है, वो होती है हमारी फोर्स फिट। फोर्स फिट जो होती है हमारी, ये हमारी इंटरफेरेंस फिट के आती है, फिट के अंदर आती है। श्रिंकेज फिट भी जो है फोर्स इंटरफेरेंस फिट के अंदर आती है। तो ए ऑप्शन इसका राइट है, यदि आपने ए लगाया तो आपका सही आंसर है। सेवन कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम चलते हैं एट नंबर पे। तो एट नंबर दोस्तों थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, तो मैं मेरे हमारी जो मैं वॉइस बोल रहा हूँ उसको भी आप सुनते चलेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन। तो एट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि इन इंटरफेरेंस फिट इज ऑफ शाफ्ट खालिस्तान होल इज। तो यहाँ पर जो है उसमें कहा गया कि शाफ्ट का साइज किस तरह से रखा जाता है। तो शाफ्ट का साइज जो है वह दोस्तों यहाँ पर कम रखा जाता है। तो एट का जो आंसर होगा वह होगा बी। यदि आपने बी लगाया है तो दोस्तों ये जो सेट ए बी सी डी ई करके कुछ बनाए होंगे, तो आप अपने क्वेश्चन को ढूंढ लें, जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ उसी को आप सुनिए, और अपने जो आपने एग्जाम सेट दिया है तो उसी के हिसाब से जो आप अपने क्वेश्चन को ढूंढ सकते हैं जहाँ जहाँ आपके मिलेंगे। तो एट का बी है, जहाँ पे भी आपका क्वेश्चन दिया हो, अदि अन्य साइड पे कहीं और क्वेश्चन हो सकता है, एट जरूरी नहीं है एट नंबर पे हो, तो वहाँ पे इसका बी आंसर हो जाएगा कम। तो ये भी क्लियर हुआ। इसके बाद चलते हैं नाइन क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे साइन 45 डिग्री का मान पूछा गया है। साइन 45 डिग्री बराबर क्या होगा? तो डिग्री साइन 45 डिग्री बराबर होगा, ए आंसर होगा, 1/√2 होगा। तो ए नाइन का जो आंसर हो जाएगा, क्लियर है। इसके बाद हम चलते हैं 10 क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे स्टेनलेस स्टील मुख्य मिश्र तत्व है। तो मेन एलोइंग एलिमेंट्स इस स्टेनलेस स्टील इज, तो यहाँ पे स्टेनलेस स्टील जो है हमारा, वो उसमें सबसे मेन जो है क्या पाया जाता है? तो
10 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप क्रोमियम इसमें लगा सकते हैं, बाकी क्रोमियम और निकिल का जो है मिश्रण होता है, ठीक है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, क्रोमियम, ठीक है, क्लियर। इसके बाद हम चलते हैं 11 क्वेश्चन में। तो तांबा और जिंक का मिश्रण है, द एलोए ऑफ कॉपर एंड जिंक इज, तो यहाँ पर कॉपर और जिंक जो है किसका एलोय है, ये करके पूछा गया है। तो कॉपर व जिंक दोस्तों होता है वो सिंपल सा ब्रांस का होता है, पीतल का। कॉपर व जिंक, इस पर भी दोस्तों हमने काफ़ी वीडियो बनाई है मेटल के ऊपर। तो ये जितने भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ये सारे के सारे अभी तक 11th तक क्वेश्चन जो बनाए हैं आए हैं इसरो में, तो हमारी प्रीवियस वीडियो में आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। और हमारी PDF फाइल में से दोस्तों काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है इसरो में आए हैं। और दोस्तों यदि आप भी कोई भी एग्जाम का जो सोल्यूशन चाहते हैं, तो मैं ना आपको जो है डिस्क्रिप्शन के नीचे अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, क्योंकि काफ़ी बच्चों के पास जो है व्हाट्सअप नंबर हमारा नहीं है और वो काफ़ी परेशान होते हैं, ढूंढते रहते हैं कि कहाँ है सर आपका व्हाट्सअप नंबर, हमें दीजिए। तो हमारा डिस्क्रिप्शन पर व्हाट्सअप नंबर डाल दिया है, तो आप उस व्हाट्सअप नंबर पर आप कोई भी जो है इस तरह का टाइप का एग्ज़ाम हो, तो उसका प्रीवियस पेपर हो, तो आप हमें PDF फाइल या उसके क्लियर इमेज भेज सकते हैं, तो हम कोशिश करेंगे उस पर भी वीडियो बनाने की। तो 11 भी कंप्लीट हुआ, तो 11 के बाद चलते हैं हम 12 नंबर क्वेश्चन पे। तो 12 नंबर का क्वेश्चन निकल कर आता है दोस्तों, देखें तो ये दोस्तों इमेजेस है, तो इस टाइप से थोड़ा ब्लर हो रही है। तो यहां देखें इसमें जो है, अब इसमें जो आपको जो है इमेजेस दी गई है, ये दोस्तों की है, की इमेजेस दी गई है। तो यहां पर 12 नंबर में क्वेश्चन में पूछा गया है, विच गिव इज अल्फाबेट्स प्रेजेंटेड वुड रफ की। तो यहाँ पर वुड रफ की का जो है पूछा गया है, इनमें से जो चित्र दिया गया है वो इनमें से कौन सी इमेजेस है जो वुड रफ की को दर्शाती है, वुड रफ की को जो है डिस्प्ले करती है। तो यहाँ पर 12 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो दोस्तों हो जाएगा एफ, तो डी इसका आंसर हो जाएगा 12 नंबर का। यदि वुड रफ की है तो ऊपर जो डायग्राम बन रहा है इमेजेस का, तो यहाँ पर एफ आप देख सकते हैं, ये वाली जो दोस्तों होगी, ये वाली एफ जो है साइड में, ये हमारी वुड रफ की होती है। वुड रफ की का आकार जो दोस्तों अर्धवृत्ताकार होता है इस टाइप से, थोड़ा सा ये इस टाइप से होती है हमारी अर्धवृत्ताकार, ठीक है। तो इसे क्लियर हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट में क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं पैरेलल शैंक जो है, पैरेलल शैंक की इसमें पूछा गया 13 का। 13 का दोस्तों आप जो है इसमें बी लगा सकते हैं, सॉरी बी 13 का जो है, ये आप 13 देखें, पैरेलल शैंक जो होती है हमारी ई, आप इसमें ऑप्शन लगा सकते हैं, तो ये बी इसका ऑप्शन हो जाएगा 13 का। इसके बाद यहाँ पर पूछा गया होलो सेटल की, होलो सेटल की जो होती है दोस्तों, अगर ऑप्शन ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आपको डी ऑप्शन देखें, यहाँ पर ये 14 का जो दोस्तों, अब बिल्कुल ध्यान से देखें, डी में जो है सी लिखा गया, ये देखें आप डी में जो है यहाँ पे सी लिखा गया, तो सी की हमारी इमेज कौन सी है वो आप ऊपर देखेंगे, तो सी की इमेज जो है दोस्तों आपको ये वाली मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपको लगाना है आंसर। इसके बाद हमें जो देखना है अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का। 15 नंबर में है कि यहाँ पर पूछा गया फैदर की, फैदर की कैसे होती है, नन की फैदर की बारे में पूछा, विच गिव्स अल्फाबेट प्रेजेंटेड फैदर की। तो यहाँ पे फैदर की जो होगी दोस्तों 15वें का जो हम ऑप्शन देखेंगे, तो फैदर की हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, 15वें का बी होगा, तो बी ही इमेजेस है इसकी। तो फैदर की ये हमारी जो है फैदर की है, आप ये देख सकते हैं अलग अलग टाइप की फैदर की होती है, तो ये भी हमारी फैदर की होती है, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद हम चल तो 16 देखिए दोस्तों, 16 का क्या होगा, 16 में कह रहा है कि फ्लैट सेडल की कौन सी है। तो 16 में हम जाएंगे ऑप्शन में जाएंगे सबसे ऊपर, तो फ्लैट सेडल की होती है दोस्तों, ऑप्शन आप देख सकते हैं बी जो है यहाँ पर फ्लैट सेडल की, एक मिनट यहाँ देखें, बी ऑप्शन में सी दिया गया है, तो इसका राइट आंसर बी होगा। तो सी इसमें ऑप्शन दिया गया है, तो सी हम देखेंगे सर चल के, सी हमारी जो है ये वाली सी है, ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, क्लियर। इसके बाद हम चलते हैं 16 के बाद 17 पर। तो 17 क्वेश्चन निकल कर आता है कि मृदु स्टील की सघनता होती है, तो यहाँ पर डेंसिटी ऑफ माइल्ड स्टील पूछा गया है। तो माइल्ड स्टील की जो डेंसिटी होती है वो 7.8 जो है ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होती है, ठीक है। तो मृदुस्पाद जो डेंसिटी होती है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, तो ये भी हम इसका आंसर ए लगा देते हैं। इसके बाद हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है हथौड़े को पहचानिए, तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं हैमर जो शो किया गया है उसका जो है फिगर दिखाया गया है, तो आप सिंपली जो है पहचान सकते हैं, यदि आपने पढ़ा हो, यदि आपने इसका इमेजेस देखी हो, तो आप आसानी से लगा सकते हैं। ये हमारा जो है क्रॉस पिन हैमर, सॉरी बॉल पिन हैमर जाएगा सी, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। बॉल पिन हैमर का प्रयोग हम रिबिटिंग करने के लिए भी किया जाता है, ठीक है। 18 भी हुआ क्लियर, सी हो गया इसका आंसर। इसके बाद चलते हैं 19 क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन कह रहा है कि 25 TPI हेक्सा ब्लेड डिस्टेंस बिटवीन टू एडजस्ट टीथ इज, तो यहाँ पर जो है इसमें जो है नज़दीकी जो है इसकी टीथ पूछी गई है TPI 25 की, तो इसका आंसर हो जाएगा डी,
डी इसका आंसर हो जाएगा 19 का। तो इसके बाद हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन 20 पर। 20 जो है मैथ का क्वेश्चन है, इसको इस टाइप के क्वेश्चन हम अगली भी जो वीडियो बनाएंगे उसमें आपको समझाएंगे। तो 20 आप खुद ही देखें अभी फिलहाल, तो इस पर चलते हैं 21 पे। 21 है एंगल ऑफ सेंटर पंच। तो यहाँ पे एंगल ऑफ सेंटर पंच, काफ़ी बच्चे इसमें कन्फ्यूजन हो सकते हैं कि हम इसमें सेंटर पंच, अभी आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा तो वहाँ पे सेंटर पंच का जो कोण रखा जाता है 90 डिग्री रहता है। अभी इसमें दो दो करके ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको सिंपली क्या लगाना है दोस्तों, डी इसका आंसर लगाना है 60 से। यदि 60 से 90 डिग्री दिया गया तो वो उसका राइट आंसर हो जाता है। तो यदि आपने दोस्तों सी लगाया है, डी लगाया है आंसर 60 से 90, तो मेरे हिसाब से ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 क्वेश्चन पे। 22 क्वेश्चन है वन ईयर बेवल प्रोट्रैक्टर का न्यूनतम गणना गिनती कितनी है। तो लिस्ट काउंट ऑफ वन ईयर बेवल प्रोट्रैक्टर, तो वन ईयर बेवल प्रोट्रैक्टर की जो लिस्ट काउंट होती है आप सभी को पता होगा, काफ़ी हमने वीडियो में भी से बताया आपको, तो 5 मिनट की होती है वन ईयर बेवल प्रोट्रैक्टर की लिस्ट काउंट। इसके बाद चलते हैं हम 23 क्वेश्चन पे। दोस्तों थोड़ी इमेजेस तो है इसकी हमारे थोड़ी ब्लर टाइप की आई है, तो इसके लिए दोस्तों सॉरी मैं बोलना चाहूँगा आपसे, लेकिन वीडियो बनाना जरूरी था क्योंकि बच्चों का जो है मैसेज आया था कि सर वीडियो जरूर बनाइए जो हमारा एग्जाम हुआ है। इसलिए दोस्तों अगर मेरे पास अच्छी जो इमेजेस आती है इसकी या कोई हमारे पास पेपर सेट आता है तो क्लियर आएगा तो उसके क्लियर ही वीडियो बनेगी। ठीक है, तो 23 क्वेश्चन हम चल रहे थे, तो 23 का क्वेश्चन का आंसर आप देखें। इसमें सबसे पहले आप क्वेश्चन देखें, यहाँ पर जो है अपर डेविएशन दिया गया है प्लस में 0.15 mm, और यहाँ पर लोअर डेविएशन दिया है -0.05 mm। तो यहाँ पर टोलरेंस जो है पूछी गई है, टोलरेंस कितनी होगी। तो 23 का जो दोस्तों आंसर हो जाएगा, 23 का आपका ए आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप इसमें जो है प्लस में 1.15 घटाएंगे -0.05 mm से, तो आपका जो है ए इसका आंसर निकल के आ जाएगा। ये काफ़ी जगह मैंने जो है क्वेश्चन में समझाई है कि आप टॉलरेंस को किस तरह से निकाल सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं 24 क्वेश्चन पर। 24 क्वेश्चन आप, ये मैथ का क्वेश्चन है, ये आप अपने आप खुद भी कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं 25 का मैं आपको डायरेक्टली आंसर बताता हूँ। 25 में जो क्वेश्चन का पूछा गया है वो एक्मे थ्रेड का एंगल पूछा, सिंपल है। और जिस बच्चे को दोस्तों एक्मे थ्रेड का अभी तक क्वेश्चन नहीं पता है, खासकर फिटर थ्रेड वाले बच्चों को, तो उनकी तैयारी दोस्तों बहुत ही बिल्कुल भी नहीं है, मैं यही बोलूँगा। एक्मे थ्रेड का क्वेश्चन का आंसर काफ़ी बार जो एग्जाम में आया हुआ है। एक्मे थ्रेड आपके लेथ जो हमारा होता है, लेथ बेड के जो हमारा सॉरी लेथ में लीड स्क्रू होती है उस पर भी एक्मे थ्रेड काटी जाती है। एक्मे थ्रेड का जो एंगल होता है 29 डिग्री होता है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आपको हर एग्जाम में मिल जाएगा। तो इसका आंसर डी हुआ फिलहाल के लिए। डी आंसर अगर आपने लगाया है तो सही है, और आपने ये आंसर इसका जो आंसर याद नहीं है आपको, तो आपकी बिल्कुल भी तैयारी सही नहीं है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा तैयारी करनी होगी। तो 25 भी क्लियर हुआ डी। इसके बाद हम चलते हैं 26 क्वेश्चन पर। 26 क्वेश्चन देखे क्या है, 26 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे आग बुझाई जाती है। तो यहाँ पर कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज एक्सटिंग्यूशर फायर। तो यहाँ पे एक्सटिंग्यूशर फायर के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं वाटर दिया है ए ऑप्शन में, बी में दिया फॉर्म, और सी में दिया केमिकल रसायन, और डी में दिया उपरोक्त सभी। तो हम यहाँ पे उपरोक्त सभी इसका आंसर लगा देंगे, तो हमारा क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं 27 पर। निम्नलिखित में से SS 304 में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन लगाना है। 27 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह ए हो सकता है दोस्तों, इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग जो है ए हो सकता है। तो यहाँ पे जो है ये ए आप लगा सकते हैं, ए मतलब AU दिया गया है, और उसके बाद यहाँ पे Fe दिया गया है, ये लोहा हो गया हमारा, निखिल दिया गया है, और यहाँ पे दिया गया हमारा क्रोमियम। तो यहाँ पे AU आप लगा सकते हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं 28 में साइन थीटा का मान पूछा, ये आप अपना आप देखें। इसके बाद 29 में स्टील रूल में इंच की न्यूनतम गणना कितनी है। तो स्टील रूल में इंच की जो न्यूनतम गणना होती है दोस्तों, यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं स्टील रूल की यदि लिस्ट काउंट की हम बात करें तो वो 0.5 mm की होती है, या फिर हम बोल सकते हैं 1/2 mm। ठीक है, इसके बाद हम बोल सकते हैं कि 1/64 inch भी होती है, तो 1/64 inch होती है। अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे इसमें इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो आप इसका आंसर जो है दोस्तों डी लगा सकते हैं। तो 29 का डी आंसर हो जाएगा, नन ऑफ अबव, ये भी हो गया क्लियर। इसके बाद हम चलते हैं 13 क्वेश्चन पर। खालिस्तान को निकालने पर आग को कम किया जा सकता है, तो फायर कैन बी रिडक्ट बाय रिमूविंग। तो यहाँ पे अब आप देखें ऑप्शन में दिया गया है ऑक्सीजन, हीट, फ्यूल और एनी ऑफ अबाउ। तो यहाँ पे यदि दोस्तों बात करें आग लगने की, जब भी आग लगती है तो इन तीनों को ही मिला के लगती है। इन तीनों में से हम कोई भी चीज़ यदि हम निकाल लेते हैं ऑक्सीजन, फ्यूल, हीट में से, तो वहाँ पे आग को बुझाया जा सकता है, रोका जा सकता है। तो यहाँ पे जो है ओ जो इसका डी आंसर हो जाएगा राइट। उपरोक्त में से कोई भी हम यदि निकाल लेते हैं तो वहाँ पे आग को बुझाया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है।
ठीक है, तो ये 13 का डी आंसर हो गया। तो चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं, 31 पे। 31 निकल कर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मशीनिंग कूलेंट शीतल का मौलिक कार्य है। विच अमोंग द फ्लोइंग इज बेसिक फंक्शन ऑफ कूलेंट इज मशीन। तो जो बेसिक फंक्शन है कूलेंट का वह दोस्तों होगा कार्य मटेरियल जॉब के उपकरण को ठंडा रखना। तो यहाँ पे कह रहा है कि टू कूल द वर्क मटेरियल जॉब एंड टूल, तो ये इसका बी लगा सकते हैं आंसर। यदि आपने बी लगाया तो राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जॉब में जंग ना लगे, ये दोस्तों कुछ नहीं बनता, और जॉब पर अच्छी तरह से ये जो हमारे गुड सरफेस फिनिश ये भी होते हैं, लेकिन सबसे जो फर्स्ट होता है वह होता है हमारा जॉब को ठंडा रखना, और हमारा जो कटिंग टूल है उस सॉरी जॉब का जो हमारा टेम्परेचर है वो भी ठंडा उसको कम करेगा, और हमारा जो कटिंग टूल है उसको भी टेम्परेचर को कम करेगा। तो इस यहाँ पर जो है इसका आंसर आप बी लगा सकते हैं, 31। तो ये सेट ई है दोस्तों, मैं एक बार फिर बता देता हूँ, तो बी है टेक्निकल उसका, ठीक है, ये भी क्लियर हुआ। इसके बाद हम चलते हैं 32। 32 देखें क्या है कि 32 में जो मैथ का क्वेश्चन है कैलकुलेशन करनी है यहाँ पर हम कर सकते हैं, 33 भी आप अपने आप कीजिए। और इसके बाद हम चलते हैं सीधा 34 क्वेश्चन पे। 34 है, एक बढ़ई किस प्रकार की ड्रिलिंग मशीन का उपयोग करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में आप देख सकते हैं सेंसिटिव ड्रिल मशीन दिया गया, ब्रेस्ट ड्रिल मशीन दिया, रेडियल ड्रिल मशीन दिया, और यहाँ पे गैंग ड्रिलिंग मशीन दिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो आप देख सकते हैं वो बी लगा सकते हैं, ब्रेस्ट ड्रिलिंग मशीन। तो ब्रेस्ट ड्रिलिंग मशीन का जो है ये जो दोस्तों अधिकतर बढ़ई बढ़ई लोग भी प्रयोग करते हैं, जहाँ बिजली ना हो तो वहाँ पे ब्रश ड्रिल मशीन का हम प्रयोग करते हैं। सेंसिटिव ड्रिल मशीन तो ये अलग होती है दोस्तों, और रेडियो ड्रिल मशीन को बारे में मैंने आपको पहले बताया था, गैंग ड्रिलिंग मशीन दो, तो यहाँ पे ब्रश ड्रिल मशीन का आप लगा सकते हैं, बी इसका आंसर हो जाएगा। और कोई भी किसी क्वेश्चन पर आपको डाउट हो रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। और दोस्तों यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी तरह की टेक्निकल वीडियो का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। 34 भी कंप्लीट हुआ, 34 के चलते चलते हैं 35। यहाँ पे अब पूछा गया एक थ्रो थ्रो नहीं सॉरी एक थाउ जो होगा वो कितना होगा। तो यहाँ पे थो दिया है ऊपर हिंदी में और थाउ जो हो गया, तो यहाँ पे आप सिंपली जो है 35 का मेरे अकॉर्डिंग जो है आप 1/1000 जो है 1000 लगा सकते हैं, सी, ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी। इसके बाद हम चलते हैं 36। गेज संख्या के बढ़ने पर सीट की मोटाई जो है खाली स्थान होती है। अभी दोस्तों हमने जो है गेज की वीडियो बनाई थी वायर गेज की, तो यहाँ वायर गेज की यदि हम बात करें तो यहाँ पे कह रहा है थिकनेस ऑफ सीट खाली स्थान विद इंक्रीज ऑफ गेज नंबर। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा 36 का जो आंसर जाएगा वो घटती है। जब भी गेज की संख्या बढ़ेगी तो उसकी थिकनेस जो है यदि हम सीट की थिकनेस की बात करें या वायर की थिकनेस की बात करें तो वह घट जाती है। तो इसका बी आंसर हो जाएगा, क्लियर, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। ये अभी हमने एक वीडियो बनाई थी वायर गेज के बारे में, तो उसमें मैंने आपको डिटेल में समझाया था कि इस, और उसमें मैंने क्वेश्चन भी बताया था आपको कि इस टाइप का क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। तो जितने भी दोस्तों मैंने अभी तक क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, पढ़ा दिए हैं, ये सारे के सारे आपको हमारे चैनल की वीडियो में कहीं ना कहीं क्वेश्चन मिल जाएंगे, और हमारी PDF फाइल में से तो काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें आए हैं आपके इसरो में। तो ये भी हम आगे चलते हैं, 37 पे। 37 है, एक विशेष डायर ड्रिल के लिए यदि मशीन की ये रेखा तकली को की गति को बढ़ाया जाए तो कटिंग। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आप जो है इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, तो यहाँ मैं आपको सीधा डायरेक्टली इसका आंसर बताता हूँ 37 का। 37 का जो है इंक्रीज़ बढ़ती है, ठीक है, तो 37 का आंसर हो जाएगा बी, सॉरी बी इसका आंसर हो जाएगा बढ़ती है, ठीक है। जो स्पिंडल मशीन की जो गति होती है कटिंग स्पीड जो हम करते हैं तो वहाँ पर उसकी जो है बढ़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर 37 का हो जाएगा, ये हो गया हमारा बी कंप्लीट। इसके बाद हम चलते हैं 38। 38 का जो है यहाँ पे आपका जो है RPM निकालने के लिए पूछा था। यदि आपने कटिंग स्पीड दी, आपको नहीं आती है RPM निकालना नहीं आता, तो इस पर हमने पहले बहुत पहले एक वीडियो बना दिया, उस वीडियो को आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन से आपको मिल जाएगा। तो 38 का क्वेश्चन का आंसर जो होगा दोस्तों, पहले क्वेश्चन देखें यहाँ पे, द कटिंग स्पीड ऑफ ड्रिल बिट जो है 19.8 मीटर प्रति मिनट दी गई है, और यहाँ पर यहाँ कह रहा है कि फाइंड द RPM ऑफ स्पिंडल डायमीटर ऑफ ड्रिल का जो दिया गया दोस्तों, यहाँ पे ड्रिल इज 10.5 जो है मिलीमीटर दिया गया है, तो यहाँ पे RPM पता लगाना है। एक थोड़ा क्वेश्चन कट चुका है, तो यहाँ पे पाई का मान दिया गया, तो इसका जो है आपको फॉर्मूला लगाना है, कटिंग स्पीड बराबर पाई गुना डी गुना एन अपॉन में 1000 लग जाएगा। तो उससे जब आप कैलकुलेशन करके निकालेंगे दोस्तों 38 का, ठीक है, तो 38 का जो दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका क्लियर क्लियर वो बी इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। यदि आपने 600 लगाया है इसका आंसर तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है वो, ठीक है। और आपको कटिंग स्पीड नहीं निकालना आती है या RPM नहीं निकालना आता, तो नीचे लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहाँ से सिंपली सीख सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से हमने उसको सिखाया है,
तो 38 भी कंप्लीट है, 38 के बाद चलते हैं 39। 39 में जो है आपको मैथ का क्वेश्चन है, और ये मैथ का क्वेश्चन आप अपना आप कर सकते हैं। 40 में बता देता हूँ, सिंपल क्वेश्चन है। तो 14 में कह रहा है कि 1 mm जो होगा हमारा, ओ सॉरी 1 mm नहीं दोस्तों, ये 1 मीटर है। एक यदि हम कहीं 1 mm लिखा है तो वहाँ पर दोस्तों 1 मीटर वो हो जाएगा, तो वो हमारा हो जाएगा 1 मीटर। तो 1 मीटर में कितने इंच पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी वीडियो में मैं बताया गया। तो 39.37 जो आपके इंच होते हैं 1 मीटर में, इस टाइप से, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, क्लियर है। इसके बाद चलते हैं 41। 41 में क्या है, ये साइंस सॉरी जीके का क्वेश्चन है, और ये आपको 42 41 आप अपन अप करें, जीके का क्वेश्चन है। इसके बाद हम चलते हैं 43 पे। तो यहाँ पे कह रहा है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनालिंग एनालिंग प्रोसेस इज टू, तो यहाँ पे जो है मेन पर्पस जो होता है एनिलिंग करने का, तो वह किस लिए होता है। तो ऑप्शन देख सकते हैं, इंक्रीज द डक्टिलिटी, इंक्रीज द टफनेस, इंप्रूव द मसलेबिलिटी, इंप्रूव द हार्डनेस। तो यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका सी आंसर हो जाएगा, इंप्रूव द मसलेबिलिटी, इंप्रूव द मसलेबिलिटी इसका आंसर हो जाएगा, मसलेबिलिटी को सुधारना, ठीक है। 43 कंप्लीट हुआ। इसके बाद चलते हैं 44 पे। इनमें से कौन सा घर्षण रोधी बेयरिंग है, तो यहाँ पे देख सकते हैं इंग्लिश में लिखा है कि विच ऑफ दिस इज नॉट एंटी फ्रिक्शनल बैरिंग। तो यहाँ पे रोलर ऑप्शन में दिया गया है, बॉल बैरिंग, रोलर बैरिंग, सॉलिड बैरिंग, और यहाँ पर निडल बैरिंग। तो 44 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, डायरेक्टली मैं आपको आंसर बताता हूँ, तो इसका सी आंसर हो जाएगा, सॉलिड बैरिंग। जो हमारा सॉलिड बैरिंग होता है वो एंटी फ्रिक्शनल बैरिंग नहीं होता है, बाकी हमारे बॉल बैरिंग, रोलर बैरिंग, निडल रोलर बैरिंग, ये सारे हमारे जो है एंटी फ्रिक्शनल बैरिंग होते हैं। तो 44 का सी आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं 45 पे। तो 45 क्वेश्चन जो आंसर क्वेश्चन देखे 45 में क्या करा है कि 45 का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की चूड़ी में लेड और पिच बराबर होती है। तो लेड और पिच लीड, दोस्तों यहाँ लेड लिखा, लीड हम बोल सकते हैं, लीड इंग्लिश में बोला जाता है, लीड और पिच बराबर होती है। तो सिंगल स्टार्ट थ्रेड, ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे, बहु स्टार्ट दे रखा है, यानी कि ऑप्शन में दे रखा है कि मल्टी स्टार्ट थ्रेड, ठीक है, ऑप्शन में दिया है मल्टी स्टार्ट थ्रेड और सिंगल स्टार्ट थ्रेड, टू स्टार्ट थ्रेड, थ्री स्टार्ट थ्रेड। तो यहाँ पे आपका जो है सिंगल स्टार्ट थ्रेड होगी, यानी कि इसका आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। लीड और पिच सिंगल स्टार्ट में बराबर होती है, और बहु स्टार्ट में, टू स्टार्ट में डबल होती है, थ्री स्टार्ट में ट्रिपल होती है। इस टाइप से क्वेश्चन को याद रखें। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 46 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे भारी जो है धातु है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देख सकते हैं आप, ऑप्शन में आपको मिल जाएगा एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। तो यहाँ पर आपको लगा देना सिंपल सिंपल कॉपर, कॉपर जो है इन सब चीज़ से भारी धातु हो सकती है। तो 46 का सी आंसर हो जाएगा, ये भी क्लियर हुआ। 46 के बाद चलते हैं 47 क्वेश्चन पर। 47 क्वेश्चन आप थोड़ा ये मैथ का कैलकुलेशन करनी होगी इसमें। इसके बाद 48 में जो है आरपीएम निकालना है, सिंपली जो है 48 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो 48 का मैं आपको डायरेक्टली आंसर बताता हूँ, इसमें एक फॉर्मूला लगेगा, d into n बराबर में जो वाला फॉर्मूला होता है पुली का। तो ये मैंने दोस्तों करके निकाल दिया है आंसर, तो इसका सी आंसर आ रहा है। तो 48 का दोस्तों सी आ जाएगा, 40 mm का जो आपका आंसर हो जाएगा। आपको जो सिंपली जो है इसका फॉर्मूला लगाना है, इस पर भी हमने पहले वीडियो बना दिया, उन वीडियो को आप देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये मैथ का क्वेश्चन है, तो इसको भी आप नंबर करें। 49 को चलते हैं। 50 क्वेश्चन जो है उसको देखें, यहाँ पे कह रहा है कि 10 की पावर जो है -2 दिया है mm में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसको दोस्तों आप अपना आप निकालें। और इसके बाद जो है यहाँ पे जो दिया गया है इसको 51 तो सिंपल है, 51 में दोस्तों टॉलरेंस बतानी है। 51 का एक जो है होल दिया गया है, द होल साइज जो दिया गया है 100 प्लस माइनस, तो ये थोड़ा ब्लर हो रहा है, थोड़ा मुझे भी नहीं दिख रहा। प्लस माइनस जो है 0.15 जो है इसकी टॉलरेंस दी गई है। तो मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। तो आपको सिंपल क्या करना है दोस्तों, इसमें जो है इसमें मैं आपको डिटेल में बता, सबसे पहले 100 लिख के 100.15 में से हमें घटाना है 99 लिखेंगे, 99.85, जैसे आप 85 लिखेंगे तो इसमें से आपको 100.15 में से 99.85 घटाएंगे। तो घटाने से क्या होगा, आप जीरो आ जाएगी, यहाँ पर 11 में से 8 जाएगा 3 आएगा, तो 0.30 इसका आंसर जाएगा। तो ऑप्शन बी देख सकते हैं, इसका राइट आंसर है 0.30, तो ये बी इसका आंसर जाएगा 51 का। तो इसी तरह से हम जो है टोलरेंस निकालते हैं हाई लिमिट और लो लिमिट के को घटाकर। इसके बाद हम चलते हैं 52 है, निम्न किसी विशेष काम में काम के वेदन के लिए कटिंग गति उपकरण। तो यहाँ पर मैं सिंपली आपको क्वेश्चन बताता हूँ। तो यहाँ पर कह रहा है कि कटिंग स्पीड फॉर रीमिंग, कटिंग स्पीड और ड्रिलिंग पैरेलल जो दी गई है, वर्क पीस एंड कटिंग टूल कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन में दिया गया है, तो यहाँ पर कटिंग टूल, कटिंग स्पीड रीमिंग की पूछ रहा है, तो वहाँ पर कैसी होती है कटिंग स्पीड से। तो 52 का जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वह दोस्तों बी हो जाएगा, कम रखी जाती है रीमिंग के, जब हम करते हैं थोड़ी कम रखते हैं, कटिंग स्पीड टाइम ज़्यादा रखते हैं। तो बी इसका आंसर हो जाएगा 52 का। और 53 क्वेश्चन है,
एक 4 स्टार तो यहाँ पे 4 स्टार थ्रेड स्क्रू, इफ लीड इज 60 mm एंड देन पिच इज, तो यहाँ पे 60 mm है, तो यहाँ पे दोस्तों 4 स्टार कर रहा है, तो 4 स्टार में 4 इंटू से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4, तो 4 का जो अजय 4 का कहीं बात चली है तो 4 से ही इसका आंसर हो जाएगा, 4 इंटू 4 60, ठीक है, तो 4 से 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौक 16 हो जाएगा, तो इसका सी आंसर हो जाएगा 53वे का, 53 का सी आंसर है 4 mm। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा थोड़ा मेरा भी गला थोड़ा सूख गया है, इसके लिए सॉरी, थोड़ी आवाज़ मेरी थोड़ी बदल गया, कोई कंटिन्यू दोस्तों बोला जाता है तो काफ़ी वीडियो में ना टाइम लग जाता है, फिर भी मैं आपको कोशिश करता हूँ सारा क्वेश्चन पेपर समझाने की। तो 54 पे चलते हैं, 54 में दोस्तों आप ये देख सकते हैं इमेजेस दी गई हैं नट नटों की, तो यहाँ पे सिंपल ऑप्शन पूछा गया है, क्वेश्चन 54 में दिया गया है कि सेल्फ लॉकिंग नट, सेल्फ लॉकिंग नट जो है कौन सा है, तो यहाँ पे सेल्फ लॉकिंग नट जो होता है दोस्तों वह आपका होता है ये जो आप देख रहे हैं 54 का क्वेश्चन का जो आंसर सी आपका हो जाएगा, सी ये आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखें सी में ऑप्शन में दिया गया सी, तो सी कौन सा है हमारा, सी है ये वाला जो हमारा सी है, ठीक है, थोड़ा ये इमेजेस सही नहीं है, तो ये हमारा सी है, ठीक है, तो ये हमारा सी हुआ, तो इस पर हम एक टिक लगा देते हैं, ये हमारा हो गया सी, ठीक है, तो सेल्फ लॉकिंग नट ये होता है, इसके ऊपर एक थोड़ा वार्सल टाइप का लगा होता है जिससे कि हम कोई इस पर कोई टाइट करते हैं तो सेल्फ लॉक हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो यहाँ पे कह रहा है कि स्क्वायर नट कौन सा है, अभी स्क्वायर नट अब देखें तो स्क्वायर नट ये सिंपल सा दिख रहा है, ए ऑप्शन देखें आप किस में है, तो डी में है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा, 55 कंप्लीट। इसके बाद चलते हैं हम 66 देखें, हेक्सागोनल नट कह रहा है, हेक्सागोनल नट होता है कि 6 भुजा वाला, तो आप ये देख सकते हैं हमारा ये हेक्सागोनल नट है, तो ये आप यहाँ सबसे पहले देखें अब ये किस में ऑप्शन क्या लिखा गया, ए बी सी डी, डी दिया गया, तो डी आप देखें किस में लिखा है, डी लिखा गया ए, तो ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद चलते हैं 57 क्वेश्चन, 57 है केसल नट, केसल नट में इसमें पूछा गया है केसल नट कौन सा है, तो केसल नट आप ऊपर इमेज में देखें बी ऑप्शन में दिया गया है, ये बी जो है हमारा केसल नट है, तो बी देखें आप ऑप्शन बी जो है किस में दिया, केसल नट में बी दिया गया है दोस्तों, यहाँ देखें बी में दिया गया है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे कह रहा है विंग नट, विंग नट अब ऊपर इमेज देखें विंग नट किस में क्या दिखा है अल्फाबेट, विंग नट में जो दोस्तों दिया गया है वो एफ में दिया गया है इस तरह से, तो विंग नट एफ, एफ देखें ऑप्शन किस में है, एफ देखें आप सी में ऑप्शन में है, तो इसका सी आंसर हो जाएगा, 58 भी कंप्लीट हुआ। चलिए आगे चलते हैं 59 देखे क्या है कि जब ऊपर विचलन जो दिया गया है इसमें अपर डेविएशन दिया गया है, ये प्लस में दी गई है प्लस 0.08 mm, और यहाँ निचलन विचलन जो नीचा विचलन दिया गया है लोअर डिविएशन दिया गया है वो दिया गया है 0.03 mm, तो यहाँ पर जो टोलरेंस पूछा गया है, टोलरेंस पूछी गई है, तो सिंपली आपको क्या करना है कि 0.08 में से 0.03 जो है माइनस कर देना है, माइनस करने के बाद आपके पास जो भी इसकी जो मान आएगा वो सी आ जाएगा आंसर इसका, तो 59 का जो आंसर होगा वह सी होगा 0.05 mm, ठीक है। तो इसके बाद हम चलते हैं 60 क्वेश्चन पे, 60 क्वेश्चन है निम्नलिखित फाइल प्रकार में किस में मटेरियल की दर अधिक होती है, तो यहाँ पर जो है रिमूव यानी कि कौन सी जो है फाइल सबसे ज़्यादा अधिक रिमूव करती है किसी भी मटेरियल को, तो यहाँ पर वो ऑप्शन देखें आप लिखा गया गया डेड मिस डेड स्मूथ और सेकंड कट स्मूथ कट और यहाँ बास्टर्ड कट, तो जो हमारी बास्टर्ड कट कट होती है दोस्तों वो जो हमारी सबसे ज़्यादा धातु को रिमूव करती है, तो इसका डी आंसर जाएगा 60 का। इसके बाद चलते हैं हम 61 क्वेश्चन पर, 61 क्या है कि वृत्त वेल्डिंग के दौरान आँखों के घाव से बचाने के लिए हमें खालिसन का उपयोग करते हैं, तो यहाँ पर कह रहा है कि जो हम जो वेल्डिंग करते वक्त जो हम आपके जो है सुरक्षा के लिए जो सेफ्टी के लिए जो यूज़ किया जाता है वो क्या किया जाता है, तो यहाँ पे दोस्तों बहुत ही आपको ध्यान से ऑप्शन लगाना, आप सब देख सकते हैं आप सेफ्टी सूच दिया गया है, गैस वेल्डिंग गूगल्स दिया गया है, चीपिंग गूगल्स दिया गया है, यहाँ पे हैंड और हेलमेट स्क्रीन दिया गया है, अब आप इसमें से क्या लगा सकते हैं, ये सारे के सारे ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं किसी भी सेफ्टी से पर्पज़ में यदि हम, और वेल्डिंग की हम स्पेशल बात करें तो आपको वेल्डिंग के दौरान आपको लगाना है कि हैंड और हेलमेट स्क्रीन, जिसे कि गैस वेल्डिंग हो या आपकी आर्क वेल्डिंग हो तो वहाँ पर हम अधिकतर जो है इसको लगा कर जो है प्रयोग किया जाता है, तो आप जो है इसका दोस्तों आंसर लगा सकते हैं वेल्डिंग के दौरान, वेल्डिंग के दौरान जो है हम हेलमेट स्क्रीन का प्रयोग करते हैं, डी इसका आंसर हो जाएगा 61 का। इसके बाद चलते हैं 62 क्वेश्चन में, 62 क्वेश्चन देखिए क्या है कि ये दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हैं अभी तक जो है काफ़ी सारे हमारी पीडीएफ फाइल जो है उसमें से काफ़ी क्वेश्चन लगे हैं, और ये फर्स्ट पेज पर हमारी पीडीएफ फाइल का जो है आपको चित्र देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पर जो है एंगल इसमें दिया गया है कि ये कौन सा एंगल है, ये फोर्थ है, थर्ड है, द्वितीय है, तृतीय है, यानी कि फर्स्ट है, थर्ड है, फर्स्ट सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कौन सा जो है एंगल को ये दर्शाता है, 62 का जो है दोस्तों आंसर मैं आपको आंसर बता देता हूँ, तो इसका आंसर जो है दोस्तों थर्ड एंगल को दर्शाता है, यदि क्वेश्चन जो है इस टाइप से बना हो आपका जो चित्र जो है दोस्तों ऐसे बना हो, सॉरी
ऐसे यदि बना हुआ है कहीं पे, तो वो हमारा जो दोस्तों थर्ड एंगल को दर्शाता है। और इसके अपोजिट बना हुआ हो कोई, मैं आपको यही बता देता हूँ, इसका अपोजिट बना हुआ इस तरह से बड़ा यहाँ पे बना हो छोटा यहाँ पे, तो दोस्तों वो जो होता है हमारा वो फर्स्ट एंगल को दर्शाता है। ये इमेजेस आप याद रखें, ये हमारा जो है थर्ड एंगल है और ये हमारा जो है इसको हम अपोजिट साइड कर देते हैं तो ये हमारा फर्स्ट एंगल हो जाता है। तो इसका आंसर दोस्तों क्या होगा, इसका आंसर जाएगा थी थर्ड एंगल, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं 63। 63 क्वेश्चन क्या है कि एक पंचभुज जो है हमारा पेंटागोनल गोन, जो हमारा ये जो क्वेश्चन कह रहा है कि फाइव इंटरनल एंगल्स ऑफ पेंटागन, तो यहाँ पे देखें दोस्तों जो पंचभुज हमारा जो होता है एंड पेंटागोन, तो उसमें जो है कितने डिग्री का एंगल होता है टोटल मिला के इसमें पूछा गया। 63 का जो क्वेश्चन का आंसर जाएगा वह दोस्तों सी हो जाएगा, 540 होता है पेंटागनल का, तो ये होगा हमारा क्लियर। इसके बाद हम चलते हैं 64। 64 क्वेश्चन देखें क्या है कि ये जो इसमें इसमें जो है दोस्तों इमेजेस दी गई है इस टाइप से, मैं थोड़ी बड़ी करके बना देता हूँ, सॉरी यहाँ नहीं दोस्तों यहाँ बना देते हैं, तो ये जो है किसको दर्शाती है, तो 64 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो फ्लैटनेस को दर्शाती है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा, ये वाली जो हमारी है वो फ्लैटनेस को दर्शाती है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं 65। 65 है बी एस डब्ल्यू का पूर्ण रूप है, बी एस डब्ल्यू का पूर्ण रूप जो है दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 65 65 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा वो सी हो जाएगा, ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथवर्ड थ्रेड, ठीक है। ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथवर्ड इसमें दिया गया, बाकी आप अपना जो है थ्रेड भी लिख सकते हैं, THREAD, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं 65 कंप्लीट हुआ, 65 के बाद चलते हैं 66 क्वेश्चन पे। 66 क्वेश्चन में देखें दोस्तों ये स्पैनर के चित्र जो है इसमें दिए गए हैं, जो हमारे स्पैनर यूज़ होते हैं, तो यहाँ पे आपको सिंपल ध्यान से लगाना है, यदि आपने इनके इमेजेस याद होगी तो ये आप इसको आसानी से लगा सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि सिंगल एंडेड स्पैनर, सिंगल एंडेड स्पैनर जो होता है दोस्तों वो ई होता है, तो ई ऑप्शन देखें किस में, डी में है। इसके बाद यहाँ नीचे कह रहा है कि ये नीचे देखे दोस्तों कह रहा है कि रिंग स्पैनर, रिंग स्पैनर कौन होता है जिसमें रिंग बने होते हैं, 12 नोचिस ग्रूव कटे होते हैं, तो वहाँ पे यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं जी लिखा गया है, थोड़ा जी ही या जी ऑप्शन में ए में है। तो 66 का डी ऑप्शन डी आंसर हुआ और 67 का ए आंसर हुआ। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट जो है दोस्तों, नेक्स्ट देखें आप इसमें नेक्स्ट में जो कह रहा है कि 68 में कह रहा है कि सॉकेट स्पैनर, सॉकेट स्पैनर कौन सा होता है, सॉकेट स्पैनर हमारा होता है कि ये वाला दोस्तों सॉकेट स्पैनर होता है ए, तो ए ऑप्शन देखे किस में दिया गया है, ए हमारा दिया गया है ए में, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं 69। 69 में है कि एडजस्टेबल स्पैनर, एडजस्टेबल स्पैनर कौन सा है, एडजस्टेबल स्पैनर है बी में, तो यहाँ देखें बी, बी ऑप्शन किस में दिया गया है, बी ऑप्शन दिया गया है एडजस्टेबल में, इसमें दिया गया है बी में ही, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं 17। 17 क्वेश्चन है हुक स्पैनर, हुक स्पैनर जो है हुक स्पैनर देखें आप कौन सा है, हुक स्पैनर दोस्तों ये वाला हमारा हुक स्पैनर है डी ऑप्शन, ये देखें डी ऑप्शन में हुक स्पैनर, तो डी में देखें किस में ऑप्शन दिया है, डी दिया गया है सी में, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये आंसर हो जाएगा इसका सी, सी इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि डी आंसर होगा सी में ही, डी ऑप्शन है, तो डी ए में हुक जो चित्र में दिया गया वो हुक स्पैनर है। तो 17 भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम चलते हैं 71 क्वेश्चन पे। 71 क्वेश्चन दोस्तों देखें कि 71 में कह रहा है कि वार्सल का उपयोग, वार्सल इज़ यूज टू, तो इसका डायरेक्टली मैं आपको आंसर देता हूँ, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो वार्सल इज़ यूज टू है वो है दोस्तों डिस्ट्रीब्यूट फोर्स ओवर द लार्ज एरिया, तो यहाँ पे डी इसका आंसर हो जाएगा, बड़े क्षेत्र पर बल को बांटना, तो यहाँ पे वार्सल का प्रयोग किया था, ये भी हमने काफ़ी वीडियो में अपने समझाया गया है। इसके बाद 72 देखें, 72 क्वेश्चन क्या है कि 72 यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि द ड्रिलिंग मशीन यूज व्हेन टू इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल इज, तो जहाँ पे जो है इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती तो वहाँ पे कौन सी ड्रिल मशीन का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं रैचेट ड्रिल मशीन दिया गया, सेंसिटिव ड्रिल मशीन, पैरेलल ड्रिल मशीन और रेडियल ड्रिल मशीन, तो यहाँ पर रैचेट ड्रिल मशीन जो होती है उसका हम प्रयोग कर सकते हैं जहाँ पर ड्रिलिंग मशीन नहीं, जो सॉरी जहाँ पर इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक जो है बिजली नहीं होती, तो वहाँ पर हम रैचेट ड्रिल मशीन का प्रयोग करते हैं। इसके बाद चलते हैं हम 72। 73 73 क्वेश्चन है कि एच एस एस उपकरण मटेरियल टंगस्टन प्रतिशत कितना होता है, तो यहाँ पे जो है एच एस 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 की बात चली तो ये होता है हाई स्पीड स्टील, हाई स्पीड स्टील में टंगस्टन जो होता है वो होता है 18, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 73 का सी आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं 74। 74 क्वेश्चन देखें यहाँ पे दोस्तों 74 में 74 का क्वेश्चन आप दोस्तों थोड़ा ये देखें, इसके बाद मैं आपको 74 में आप बोर गेज लगा सकते हैं। इसके बाद हम 75 चलते हैं, 75 का जो क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों सॉरी, तो यहाँ पे हम 75 क्वेश्चन है कि ये इसमें कह रहा है सिंबल ऑफ द पैरेललिज्म, पैरेललिज्म जो है कौन सा दिखाता है, तो यहाँ पे समानांतरता का जो है पूछा गया है 75, तो 75 में आप सी लगा सकते हैं, ये पैरेलल का जो है साइन है ये वाला दोस्तों जो है सी वो पैरेलल का साइन है, ये जो ऐसे करके बनता है वो हमारा पैरेलल को दर्शाता है, ठीक है। इसके बाद नीचे देखिए ये कह रहा है कि
तो यहाँ पे चित्र जो दिया गया है, ये आप देख सकते हैं, ये जो इमेजेस दी गई है कौन से जो है नट या बोल्ट की दी गई है। तो यहाँ पे आप ध्यान देना है कि ये जो हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा वो बिल्कुल ध्यान से लगाना आपको, ध्यान से पढ़ के। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देखते हैं, चीज हेड स्क्रू दिया गया है, और सॉकेट हेड कैप स्क्रू दिया गया है, स्क्वायर हेड कैप स्क्रू दिया गया है, और यहाँ पर काउंटर सिंक हेड स्क्रू दिया गया है। तो यहाँ पर इसका 76 का जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए। ए इसका आंसर हो जाएगा कि ये हो गया हमारा चीज़ हेड कैप स्क्रू, चीज़ हेड कैप स्क्रू, इसका आंसर जाएगा 76 का। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन निकल के आते हैं, जीके का क्वेश्चन है 77, ये अपने आप देखें, आप 78 भी अपने आप देखें, और यहाँ पे 79, और यहाँ पे 80 80 क्वेश्चन भी जीके का है। बाकी हम चलते हैं 81 पे। 81 है त्रिज्या, त्रिज्या जो हमारा रेडियस गेज होता है वो किस लिए चेक किया जाता है। तो यहाँ पर रेडियस गेज आर यूज टू चेक, तो रेडियस गेज जो हमारा जो अंदरूनी और इनर और आउटर दोनों ही रेडियस को आसानी से चेक कर सकता है। तो यहाँ पे ए आंसर आप लगा सकते हैं। 81 पे चलते हैं, रीमर के पिंड के खांचे दिए जाते हैं। तो 81 का 82 81 कंप्लीट हुआ। 82 देखिए आप, रीमर के बारे में पूछा गया है जो उसमें खांचे सलोटरी दिए गए हैं वो किस लिए दिए गए होते हैं। तो वहाँ पर इसका आंसर आप सी लगा सकते हैं। तो टू प्रोवाइड यहाँ पे देगा इजीली टू चिप्स रिमूव, चिप को निकाल, चिप्स जो होते हैं हमारे उसको निकालने के लिए जो है उसमें जो है खांचे जो है दिए जाते हैं, सलोटेड दिए जाते हैं, ग्रूव जो दिए जाते हैं। 82 भी कंप्लीट हुआ। 82 के बाद चलते हैं 83, हैंडलिंग मशीन में उपयोग प्रयोग गियर। तो हैंडलिंग मशीन में दोस्तों बेवल गियर जो लगे होते हैं, ठीक है, आप ये देख सकते हैं, बेवल गियर आप लगा सकते हैं, वर्म गियर, हेलिकल गियर, स्पर गियर भी दिया गया, तो हम बेवल गियर लगाएंगे, डी आंसर लगाएंगे। टाइप ऑफ द गियर यहाँ पे पूछा गया इंग्लिश में, टाइप ऑफ द गियर यूज टू हैंडलिंग मशीन आर, तो यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा। ये भी हुआ कंप्लीट 83। इसके बाद चलते हैं 84। 84 में क्वेश्चन में दिया गया है कि चूड़ी काटते समय एक प्रकार का टेप मटेरियल को काटने के स्थान पर वितरित किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं आप, इंग्लिश में आपको थोड़ा समझा देता हूँ। ये कह रहा है कि दिस टाइप ऑफ द टैप डिस्प्लेंट द मटेरियल इन इन साइड ऑफ कटिंग व्हील थ्रेडिंग। तो ये दोस्तों थोड़ा ब्लर ज़्यादा हो रहा है, इसमें मुझे भी थोड़ा सा चमक नहीं रहा। तो इसका आंसर जो है दोस्तों आप ये देख सकते हैं, ऑप्शन दिया है, नट टैप दिया गया, पुली टैप दिया गया, हेलिकल फ्लूट टैप दिया गया यहाँ पे। तो आप इसका आंसर जो है सी लगा सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग, बाकी मुझे कंफर्म नहीं है, वो आप अपने आप देखें। आपको आंसर इसका पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 85 में। 85 क्वेश्चन देखिए क्या है कि 85 में दिया गया है कि SS जो है हमारा 304 क्या होता है। तो यहाँ पर मैं आपको राइट आंसर इसका बता देता हूँ। राइट आंसर जो दोस्तों हो जाएगा 85 का, वो हो जाएगा दोस्तों बी, बी हो जाएगा 18% क्रोमियम और 8% Fe। इसके बाद हम चलते हैं 86। 86 है, निम्न में से किस कारण मशीन बॉडी की ढलवा लोहे की बनाई जाती है। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड रेजिस्टेंस ऑफ स्ट्रोक। तो यहाँ पे सी इसका आंसर हो जाएगा। ये आपने इसका आंसर सी लगाया तो राइट आंसर है, कास्ट आयरन का जो यूज़ होता है मशीन की बॉडी में वो किस लिए किया जाता है, तो हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उसमें पाई जाती है, इसलिए जो अधिकतर हम उसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम चलते हैं 87। 87 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र धातु है। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन देख सकते हैं आप, कॉपर दिया गया, लेड दिया गया, एल्यूमिनियम दिया गया, स्टेनलेस स्टील। अब यहाँ पे मिश्र धातु पूछी गई है, ठीक है, तो मेटल इसमें पूछा गया है। यहाँ पे ऑप्शन में कुछ कॉपर, लेड, एल्यूमिनियम और स्टेनलेस स्टील दिया गया है। तो 87 का आपको ध्यान से आंसर लगाना है डी। तो डी इसका आंसर लगा सकते हैं आप, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। तो यहाँ पे विच इज़ एन एलोय ऑफ फ्रॉम द फ्लोइंग। तो यहाँ पे कॉपर भी दिया गया है और लेड भी दिया गया है, एल्युमिनियम भी दिया गया है, तो स्टेनलेस स्टील आप इसका आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं 87 के बाद 88। तो ये थोड़े कुछ लास्ट के क्वेश्चन बचे हैं। तो ये आप क्वेश्चन अपना आप करें 88 का और 89 का। ये जो है 89 दोस्तों काफ़ी सिंपली क्वेश्चन है ये, इसमें आपको जो है इसमें जो हमारा फाइंड द स्पीड ऑफ गियर ड्राइविंग हैव टीथ। तो यहाँ पे जो है आपको आपसे जो पूछी गई है वो गियर की जो गति पूछी गई है, गियर की गति जो है स्पीड कितनी होगी। तो मैंने दोस्तों निकाल ली है, इसका जो आंसर जो आ रहा है दोस्तों वो 320 आ रहा है RPM, 320 RPM आ रहा है। बाकी 90 क्वेश्चन देख सकते हैं आप, ये थोड़ा जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन है, आप अपना आप निकालें। और कोई किसी भी क्वेश्चन पर दोस्तों आपको डाउट हो तो 90 क्वेश्चन दोस्तों मेरे पास पूरा सेट आया था 90 क्वेश्चन का। तो ये जीके क्वेश्चन छोड़ के मैंने आपको टेक्निकल सारे समझा दिए हैं। किसी भी क्वेश्चन पर आपको डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक जरूर करें, क्योंकि इस टाइप की वीडियो बनाने में काफ़ी मुझे समय लगता है। तो वीडियो को लाइक करेंगे तो हमें सपोर्ट करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और यदि आपने नहीं किया है तो काफ़ी अच्छा लगता है दोस्तों, आप ही के जो है प्यार से और सपोर्ट से ही हम ये सब कर पाते हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए काफ़ी बहुत बहुत धन्यवाद, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें जिससे कि सभी जो है स्टूडेंट तक इस वीडियो को पहुंचाया जा सके, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जो है अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों इस वीडियो में धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।